हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में जो है करंट अफेयर का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर जो ये जो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हेल्पफुल है, अगर जो इसे आप याद कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, अगर जो मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आता है और ये क्वेश्चन, तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा आप सबको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं ये करेंट अफेयर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ये तो ये दिया है, हाल ही में किस बैंक ने बाजार पूंजी में 100 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है। तो ये जो है 100 बिलियन का जो आंकड़ा पार किया है वो कौन सा बैंक है। तो वो जो बैंक हमारा है HDFC बैंक है। अब HDFC बैंक के चेयरपर्सन कौन है। तो ये जो है चेयरपर्सन जो है श्यामला गोपीनाथ है। इसके चेयरपर्सन जो है श्यामला गोपीनाथ हैं। और इसके MD कौन है। इसके MD जो हैं आदित्य पुरी, इसके MD हैं। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस बैंक ने भारत के EESL को 250 मिलियन डॉलर ऋण प्रदान किया है। तो ये जो है EESL को 250 मिलियन डॉलर जो है प्रदान किया है, ये कौन सा बैंक है। तो ये जो है एशिया विकास बैंक है, एशियाई विकास बैंक है ये। और एशियाई विकास बैंक के जो है चेयरमैन कौन है। तो ये जो है राजीव शर्मा है, इसके चेयरमैन हैं। और इसके MD जो है सौरव कुमार, इसके MD हैं। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CGIC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये जो है इसके जो है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये जो है देवेश श्रीवास्तव जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का ये मुंबई में है। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित किस पुस्तक का ब्रेल संस्करण लॉन्च किया है। तो ब्रेल संस्करण जो है एग्जाम वारियर्स का विमोचन जो है थावरचंद गल्होत्रा ने किया है। अब हम देखेंगे फाइव क्वेश्चन। तो ये हमारा फाइव क्वेश्चन दिया है, हाल ही में राज्य ने सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए जल साथी कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो ये जो है किस देश ने लॉन्च किया। तो ये उड़ीसा जो है उड़ीसा देश ने इसे लॉन्च किया है। और ये उड़ीसा का लोक नृत्य जो है गोटीपुआ और महरी है। और इसका इसका जो है उड़ीसा के नेशनल पार्क जो है भितरकनिका नेशनल पार्क है। और जो उड़ीसा के गवर्नर जो हैं गणेशी लाल हैं, उड़ीसा के गवर्नर जो हैं गणेशी लाल हैं। अब हम देखेंगे सिक्स क्वेश्चन। तो ये हमारा जो है सिक्स क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस भारतीय स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये जो है 2 बार हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। अब ये कौन है। तो ये जो है कुलदीप यादव हैं। तो ये हैं कुलदीप यादव हैं। अब हम देखेंगे सेवन क्वेश्चन। तो ये हमारा सेवन क्वेश्चन दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जर्मनी विकास बैंक KfW के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौता किया। तो ये जो है कितने मिलियन का डॉलर ऋण का समझौता किया। तो ये जो है 277 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। और इसके चेयरमैन जो है रजनीश कुमार है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे आठवां क्वेश्चन। तो ये हमारा जो है आठवां क्वेश्चन दिया है, हाल ही में जारी NFS आंकड़ों के अनुसार भारत विज्ञान लेख पास करने स्थान पे है। तो ये जो है तीसरे स्थान पे है भारत विकास लेख प्रकाशन में जो लेख प्रकाशन में जो है भारत जो है तीसरे स्थान पे है। अब हम नौवां क्वेश्चन देंगे। तो ये हमारा नौवां क्वेश्चन दिया, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा तकनीकी साझा करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जो है रक्षा तकनीकी साझा करने के समझौते पर ये कौन हस्ताक्षर किया। तो ये जो है अमेरिका है जिसने जो है इस पे हस्ताक्षर किया है। अब हम देखेंगे दसवां। तो ये हमारा दसवां क्वेश्चन दिया है, हाल ही में GST परिषद ने लॉटरी प्रतिशत की समान कर दर निर्धारित की है। तो ये जो है 28% की है। और ये जो है हमारा 11वां क्वेश्चन है, हमारा बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर्स 2019 किसे चुना गया, जो है वेन चुना गया है।
ये हम देखेंगे 12वां क्वेश्चन। तो ये हमारा 12वां क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसने विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किसने किया है 79वें सम्मेलन का उद्घाटन? तो ये जो है ओम बिरला ने किया है। अब हम 13वां क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा 13वां क्वेश्चन दिया है, हाल ही में पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास पर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास पर निर्भर जो है विकास पर शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो ये जो है नई दिल्ली में किया गया इसका सम्मेलन। तो अब हम देखेंगे 14वां क्वेश्चन। तो ये हमारा 14वां क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं को प्रतिशत रियायत देने का फैसला किया है। तो ये कितना प्रतिशत जो है रियायत देने का किया है? तो ये जो है 50% देने का रियायत हुआ है। अब हम देखेंगे 15वां क्वेश्चन। तो ये 15वां क्वेश्चन हमारा दिया है, एलिस पेरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर्स 2019 चुना गया है, वह किस देश की खिलाड़ी है? तो ये जो है एलिस पेरी जो है ये किस देश की खिलाड़ी है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। और हम देखेंगे 16वां क्वेश्चन। तो ये हमारा 16वां क्वेश्चन दिया है, हाल ही में आई डी स्वामी का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध थे। तो ये जो है आई डी स्वामी का निधन हो गया है, वो जो है प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे? तो वो जो है राजनीतिज्ञ थे। और ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1999 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे पहले। और ये हम देखेंगे 17वां देखेंगे। 17वां क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये जो है इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो है बीपी राजू ने जीता है, और इन्हें जो ये सम्मान जो है राजस्थान में दिया गया है। और ये हम देखेंगे 18वां क्वेश्चन। तो ये हमारा 18वां क्वेश्चन दिया है, ये हमारा 18वां क्वेश्चन दिया है, हाल ही में नितिन गडकरी ने में रहने वाले उग्रवाद प्रभावित महिलाओं द्वारा से सिले गए खादी रुमाल को लॉन्च किया है। तो ये जो है कौन सा सरकार ने लॉन्च किया? तो ये जो जम्मू और कश्मीर में ये लॉन्च हुआ है, जो कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है जम्मू और कश्मीर के नगरकोटा शहर में इसको किया गया है। तो ये किया गया है। अब हम देखेंगे ये 18वां क्वेश्चन। तो ये 18वां हमारा क्वेश्चन दिया है, गोवा मुक्ति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये जो है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 19 दिसंबर को हमेशा मनाया जाता है। और इसके जो है गोवा के गवर्नर कौन है? तो गोवा के गवर्नर जो है सत्यपाल मलिक हैं, गोवा के गवर्नर। अब हम देखेंगे 19वां क्वेश्चन। तो ये हमारा 19वां क्वेश्चन दिया है, भारत ने किस देश में सीमांत बच्चों और सौर ऊर्जा से संचालित लैंप दान किए हैं? तो ये जो है लैंप दान किए हैं, तो ये किस देश को? तो ये फिलिस्तीन को जो है सौर ऊर्जा से संचालित लैंप दान किए हैं, और ये फिलिस्तीन को दिए हैं। तो और हम देखेंगे 20वां क्वेश्चन। तो ये हमारा 20वां क्वेश्चन दिया है, किस देश ने कुल 24x7 एनईएफटी फंड ट्रांसफर सुविधा को सक्षम करने के लिए कुलीन क्लब में शामिल किया है? तो ये जो कुलीन क्लब में जो शामिल किया है ये कौन है? तो ये जो है भारत है। और हम देखेंगे 21वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन हमारा दिया है, संजीव कपूर